अरबी खाने में तो बहुत लोगों को पसंद है, अच्छी लगती है, मगर बनाते वक्त बहुत लोगों को बहुत तरीके की परेशानी आती है, जैसे इसे छीले कैसे, ये गले में क्यों कभी कभी चुभती है। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करते हुए आज हम अरबी की सूखी सब्जी बनाएंगे। हेलो और स्वागत है आपका रेसिपीज यू लाइक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा थम्सअप दीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अपने बहुमूल्य कमेंट्स और सुझाव हमें देना ना भूलें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको पता चले हर एक आने वाली वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अरबी, यहाँ पर ये हमने लगभग आधा किलो ले ली है, क्योंकि अरबी छीलते वक्त हाथ में कुछ जलन जैसी फील होती है। तो आप अरबी छीनने से पहले या तो हाथ में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगा सकते हैं, या फिर उसे इस तरीके से गर्म उबलते हुए पानी में 3 से 4 मिनट तक रखें और फिर निकाल दें। गर्म पानी फेंक देने के बाद अरबी को फिर से नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर छीलिए। ज़्यादा देर गर्म पानी में रखेंगे तो अरबी लिसलिसी जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी सारी अरबी छिलकर तैयार है, इसे हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से। सारी अरबी काट लेने के बाद हम रखेंगे तेल गरम करने के लिए। यहाँ हमने लगभग 4 टेबलस्पून तेल ले लिया। इसे गरम करने के बाद हम इस तरीके से इसमें अरबी डाल देंगे। पहले एक पीस डालकर चेक कर लेंगे कि तेल अच्छी तरह गर्म हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर तेल ठंडा होगा तो हमारी अरबी चिपक जाएगी। जैसे आलू चिपक जाता है उसी तरीके से जब तेल हमें लगेगा नहीं अच्छा गर्म है तो फिर सारी अरबी उसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया इसमें स्वाद अनुसार। आप चाहे तो अरबी को लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन वही तेल गर्म रहना चाहिए, नहीं तो अरबी चिपक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अरबी का कलर हल्का सा सुनहरा हो गया, इसे छान कर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल मैंने कढ़ाई में से निकाल दिया। अब बस 1 टेबल स्पून तेल में हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा। ज़ीरे को धीमी आंच पर कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये एक बड़ा प्याज है, आप 2 मीडियम वाले भी डाल सकते हैं। प्याज को हम लोग मीडियम आंच पर तब तक सौते करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट, थोड़ा गुलाबी ना हो जाए। और फिर डाल दीजिए इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अगर आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो अदरक लहसुन डालने के बाद आंच को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, लो कर दीजिए, और फिर इसे सौते करेंगे जब तक ये इस तरीके से गोल्डन ना हो जाए। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून शेज़वान सॉस का डाल दिया। अगर आपके पास शेज़वान सॉस नहीं है तो इसके बदले आप 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और डाला हमने इसके अंदर आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे। आंच को इस वक्त हम धीमा ही रखेंगे क्योंकि हम मसाला भून रहे हैं। इसके बाद 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही हमने इसमें तली हुई अरबी डाल दी। मिक्स कर लेंगे ताकि अरबी पर मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। इस वक्त आप आंच को मीडियम भी रख सकते हैं। और आधा चम्मच धनिया का पाउडर भी डाल दिया हमने इसके अंदर, इसे भी मिला लेंगे। अरबी का अच्छी तरह पक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरबी अगर ज़रा सी भी कच्ची रह जाए ना तो गले में कुछ इरिटेशन जैसी हो जाती है कच्ची अरबी खाने से। और इस चीज़ से और भी बचने के लिए हम इसमें नींबू का जूस डालते हैं। यहाँ हमने आधा नींबू निचोड़ कर रस डाल दिया इसमें। अरबी ऑलमोस्ट तैयार है, आप हाथ से एक बार चेक करके देख सकते हैं अरबी नरम हुई है या नहीं। इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर ढक के रखेंगे लगभग 5 मिनट के लिए, और बस अब ये तैयार है। आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सूखी अरबी की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी छिड़क सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अरबी की सब्ज़ी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नए रेसिपी अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक इसे एंजॉय करना ना भूलें। बाय।